नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रतीत समाचार नेटवर्क। रीवा शहर में लॉकडाउन में सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश हैं, इसके बाद भी शटर के नीचे से बिक्री चालू है। ऐसे ही दुकानदारी कर रहे दो एक दुकान संचालक नायब तहसीलदार रीवा के हत्थे चढ़ गए हैं। हम आपको बता दें कि अमैया रोड में मौजूद घरबार के एक सेंटर में बुधवार की देर शाम नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ग्राहक बनकर पहुंच गए, जहां दुकान का शटर तो गिरा था लेकिन अंदर काम चल रहा था। बाहर दुकान का एक सदस्य खड़ा था, जहां नायब तहसीलदार ने ग्राहक बनकर उससे केक मांगा तो उसने तुरंत केक देने पर हामी जताई और शटर के नीचे से केक निकाल कर दे दिया। केक मिलते ही नायब तहसीलदार ग्राहक से अधिकारी बन गए और उन्होंने केक जब्त किया और पुलिस को बुलाकर दुकान सीज करा दी। इतना ही नहीं, घरबार केक सेंटर के बगल में संचालित एक और दुकान में भी यही चल रहा था, उसे भी सीज कर दिया गया है। दोनों दुकानों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। केक की दुकानों पर कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला था? कल नगर निगम के उड़न दस्ता दल के साथ पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हम लोग शहर का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय निरीक्षण पाया गया कि अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वहां पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ पर जब देखा गया, पता किया गया कि यहां पर पता चला कि केक का सेल किया जा रहा है। शाम का लगभग 7-8 बजा हुआ था। हम लोगों ने औचक रूप से हम लोग खुद ही गए वहाँ पर ग्राहक बन करके और उनसे केक की डिमांड की कि हमको भी केक चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ, केक उपलब्ध हो जाएगा और पैसे देने पर उन्होंने हमको भी केक दे दिया, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन था। उसी के तहत वहाँ पर दुकान को सील कर दिया गया है अगले आदेश तक का और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही भी अमैया थाना के द्वारा उनके ऊपर की जा रही है। कौन कौन सी दुकान है? ये वहाँ पर दो केक की दुकानें हैं, एक घरवार केक हाउस है और दूसरा केक ओम केक, हाँ ओम केक करके है। उन्हीं दो दुकानों को सील किया गया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।